कैसा लगा मैं एज ए होस्ट यार? सर आप काफी चिल्ड आउट हो, यू कीप इट वेरी कैजुअल आई हैव सीन। मैं एक्चुअली मुझे थ्रेट लग रहा है कि अगले सीजन के लिए खतरों के खिलाड़ी आपको ना बुला ले होस्ट के लिए। वो स्टंट करते वक्त आप बाल बनाना, स्टंट करते करते बाल बनाना, पोगो पोगो पे कुछ होगा मैं कर सकता हूं। पोगो पोगो पे खतरों के खिलाड़ी बच्चों के लिए। एनी क्वेश्चन गाइस? पर्सनल लाइफ या फिल्म के हिसाब से आप बोल रहे हैं? बहुत ज़रूरी होता है कि फिल्म का कैरेक्टर क्या है, डायरेक्टर की डिमांड क्या है, और मेरा जो हाथ होता है बहुत छोटा होता है, मोस्टली ये टीम वर्क होता है जिसमें कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर जो राइटर है और जो मेन है वो डायरेक्टर और एक्टर होता है, क्योंकि डायरेक्टर एक विजुलाइज़ करता है कि उसको अपना कैरेक्टर किस तरह से निकालना है स्टेज पर। रॉकस्टार होते हैं रॉकस्टार सब एक जैसे नहीं होते, या डॉक्टर होते डॉक्टर सब एक जैसे नहीं होते, या कोई राइटर है तो राइटर सारे एक जैसे नहीं होते, आप जर्नलिस्ट हो और मीडिया में हो सब एक जैसे नहीं है, सबकी अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। तो ऑडियंस को एक कोई नई चीज़ देखना बहुत पसंद आती है कि एक जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हो यूनिक कैसे हो, और जो कोई पर्दे पर दिखी नहीं है तो वही चीज़ आपको फैसिनेट करती है जो यूनिक हो, जो फर्स्ट टाइम दिखी हो। क्योंकि हम पूरे वर्ल्ड में जो सिनेमा होता है, जो कैरेक्टर्स होता है, हम एक ही चीज़ को रिपीट करते हैं, बट उसमें नयापन कैसे लेके आए वो बहुत बड़ा टास्क होता है और बहुत चैलेंजिंग होता है। तो वही डेवलप करने में टाइम जाता है, जिसमें एक्टर का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि वो आपको पता नहीं होता है कि तीन तीन महीने से चार चार महीने से वो कैरेक्टर को बिल्ड करने में इतनी मेहनत कर रहा है, बॉडी बना रहा है, डाइट चेंज कर रहा है, अपने लुक पे वर्कआउट कर रहा है, अपने कॉस्ट्यूम ट्राई कर रहा है, और फिर जाके वो पर्दे पे निकाल के लेके आता है कैरेक्टर। तो देर इज़ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, समटाइम मूवीज़ डोंट वर्क तो एवरीवन फील्स वेरी सैड, बट जो एक्टर ने मेहनत की होती है बहुत ज़बरदस्त मेहनत की होती है। हमारा जो हाथ होता है वो छोटा होता है, ये पूरी टीम वर्क होती है, और सबसे बड़ा हाथ एक्टर का होता है, क्योंकि वो इस सब चीज़ से गुजरता है जब वो कॉन्टेंट टीम में होता है, दूसरी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा होता है। तो कुछ भी चीज़ नया करना हो तो उसके लिए एक विजन चाहिए, और बहुत स्ट्रांग विजन चाहिए, और अंदर इनर पर्सनैलिटी में कन्विंसिंग पावर चाहिए कि मैं ये करूँगा और मैं करके दिखाऊँगा और फाड़ दूँगा। तो मेरे ख्याल से वो इन लड़कों में है, इसलिए दे आर सच अ ह्यूज स्टार्स। सो आई थिंक मी एंड अर्जुन विल आस्क आलिम भाई सम क्वेश्चंस, थोड़े इनसाइड डिटेल्स आपको भी पता चलेंगे। आलिम भाई, विच डायरेक्टर जो आपके पास आता है हर फिल्म के साथ, विच डायरेक्टर वॉन्ट्स टू चेंज द लुक ऑफ हिज हीरो विद एवरी फिल्म? मतलब उसको वो कीड़ा है कि मुझे हर फिल्म में मतलब हीरो या हीरोइन डिफरेंट दिखाना है, ये बाल वाले से अलग करना है, विच डायरेक्टर? एक नाम लेना है आपने अनेक डायरेक्टर के साथ काम किया, नाम एक ही लेना पड़ेगा। लेकिन चेंज क्या हो गया? मेरे ख्याल से सब डायरेक्टर है। आलिम भाई एक नाम, वन नेम, डोंट बी डिप्लोमेटिक। इम्तियाज अली। इम्तियाज अली, ओके। विच एक्टर विद एवरी फिल्म? बिकॉज यू ऑल्सो टोल्ड मी दिस, आपने भी मुझे पहले बोला है कि एक्टर्स यूजली जो अच्छा दिख रहा है वही लेके चलो, दैट लुक्स गुड, वो अच्छे दिख रहे हो आप, बट विच एक्टर कम्स टू हर फिल्म के साथ बोलता है नहीं आलिम भाई अभी चेंज करो, अभी चेंज करो? आप दोनों बैठे हो इधर, आप लोग चेंज करते रहते हो यार। नहीं नहीं, हमारी तारीफ आप अलग तरीके से करो ना, ऐसे में हर फिल्म में ना। शाहिद, शाहिद कपूर, एक्चुअली हां दैट्स ट्रू विद एवरी फिल्म। आई मीन उड़ता सुपर, उड़ता पंजाब, शाहिद ग्रेट लुक। या उड़ता में दो लुक थे, और वो फुद्दू किया था साइड में, वो रियल में फुद्दू किया, कुछ डिजिटली नहीं किया या कुछ ऐसा नहीं किया, और रियल में शेव किया, एंड इट वाज ऑल हिडन। वो 15-20 दिन मीडिया के सामने नहीं आया था, घर में बैठा था। तो करने भी मुझे रिस्क है, क्योंकि आपने ब्लेड से कर रहे हो आप, एक बार रॉन्ग हो गया रॉन्ग हो गया। तो जो सेकंड हाफ में किया था वो थोड़ा टफ था, और फर्स्ट हाफ में एक्सटेंशंस थे, तो वो ट्राई करता है। हैदर में बस किया था। हुज फैशन सेंस डू यू रियली एडमायर द मोस्ट आउट ऑफ ऑल द एक्टर्स? बिकॉज आप सबके घर के अंदर तक पहुंच चुके हो, नॉट इन द रॉन्ग वे। आप यू नो यू हैव यू जेन्युइनली हैव द VVVVVIP पास इनटू पीपल्स लाइव्स, बिकॉज आप उस समय पे भी आते हो जब लोग एक्टर से नहीं मिल पाते, आपको बाल काटने आना पड़ता है कभी, तो फैशन अभी बेड में काट देते हो बाल। पता नहीं वरुण ने करवाया होगा ऐसा, मुझे नहीं। फैशन इज समथिंग व्हाट यू, इट्स वेरी पर्सनल, यू नो, पर्सनालिटी के हिसाब से मैं बोल रहा हूं, द फुल 360 डिग्रीज की, यार ये बंदा जो है ना ये करेक्ट है, मतलब मुझे ये बहुत इंस्पिरेशनल एक्साइटिंग लगता है। हम दोनों को छोड़ के ऑब्वियसली संजय दत्त, करेक्ट, बिकॉज़ ही हैज हिज ओन स्टाइल, एंड यू नो इफ यू सी स्टाइलिंग एपिसोड यू विल गेट टू सी the collection of boots he has, you know, he has spoken about each and every boots from where all he's bought it, you know. I think the first man to experiment with the beard also, no? Yeah, he has a lot of experiments, kate, plan, musafir. So he experiments a lot with the facial buzz. So it's very important what you do, you know. Best. Alim bhai, which actor has the best role hai? Varun, tera naam kisi bhi answer mein nahi liya jayega. Best role hai.
तो बालों का घोंसला तो जो मेरे लेफ्ट में बैठा है मतलब ही कैन बी राजीव बक्सली अच्छा नो नो मेरे लेफ्ट तो ही कैन बी सो ही कैन बी अ हेड ओनर यस कितने बाल है अर्जुन अच्छा दोस्त ना मैंने इसकी तारीफ देखी ही नहीं जाती मैं दिखा रहा हूं तारीफ ये देखो मेरी तारीफ कर दी तो आ गया ये देखो निकाल के इसके ऊपर डाल दे देखो टच छूना चाहता है कि बर्बाद कर दे कैसे भी तू है ये इतना सेक्सी क्या करूं दिखता हूं स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का लेकिन हूं बड़ा सेक्सी टाइप सेक्सी So he can donate a lot of actors, you know, a lot of people are suffering. Yeah, काफी लोगों को head donate कर सकते हैं। अनिल कपूर का भतीजा हूँ, कुछ तो होना चाहिए ना same. So अगल से, बगल से, सब जगह से। अब बगल बोलना जरूरी था। तो बाल ही बाल है। नहीं, बगल के बाल रणवीर सिंह donate कर सकता है। ये आप लोग पूछना अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अर्जुन बोल रहा था कि आप बगल के बाल भी donate करना चाहोगे, क्या राज है इसका? वो लगाना कौन चाहेगा ये इंपॉर्टेंट बट नहीं टचवुड आपने आपने तारीफ के बालों की फिर स्प्रे भी मारना पड़ेगा ना परफ्यूम भी मारना पड़ेगा टचवुड आपने तारीफ के बालों की थैंक यू सो मच आई एम वेरी वेरी फॉर्चूनेट एंड लकी दैट आई हैव डीसेंट हेयर एंड आई होप इट कंटिन्यू अमेजिंग है एंड इट्स क्वाइट वर्सेटाइल यू नो ही हैज ग्रेट होल्ड आल्सो सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बालों के अंदर होल्ड फैक्टर का नेचुरली होल्ड होता है ऑडियंस को होल्ड करो ना करो बाल को तो होल्ड कर लो हेलो आलिम जी अच्छा वहाँ पीछे मैडम इतनी दूर बैठी आप माइक जब तक पहुंचा हम लोग घर चले जाते हैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन इस इनिशिएटिव के लिए आपके लिए कौन से स्टार की फिल्म आपके लिए चैलेंजिंग रही खासकर उनके फिल्म के कैरेक्टर के हिसाब से आलम से आपसे हाँ सॉरी मैंने सुना नहीं आपको आपके लिए कौन सी फिल्म का कैरेक्टर जो था किसी एक्टर के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था मेरे लिए मुझे लगता है कुछ ऐसे चैलेंजिंग होता है लोग काफ़ी लोग बोलते हैं कि बहुत चैलेंजिंग है मतलब आप क्रेडिट लेना चाह रहे हो हाँ ऐसे लेकिन प्रोफेशनल्स अगर आप हो तो आपके लिए कुछ चैलेंजिंग होना नहीं चाहिए आपको चीज़ आनी चाहिए करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये होता है कि कई बार चैलेंजिंग इसलिए बोल सकते हैं कि आप डिफ़िकल्ट होता है कि कंटिन्यूटी है और एक ही जब बालों की लेंथ होती है और दैट टाइम व्हेन यू डूइंग टू कैरेक्टर्स और टू पार्ट्स यू नो टू एराज सो वो टाइम पे थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है तो वो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो उसके लिए काफ़ी रिहर्सल्स करनी पड़ती है जब एक्टर अपनी इतनी सारे बिजी स्केड्यूल से एक टाइम निकालता है रात को मुझे अपने घर बुलाता है कि अभी आके प्रैक्टिस कर सकते हैं तो मैं जाता हूँ इनके घर रात को प्रैक्टिस करता हूँ और फिर हम लोग मूवी में ट्राई करते हैं तो ऐसा होता है हमेशा तो इसलिए बोल रहा हूँ कि एक्टर काफ़ी मेहनत करता है जो आप लोग को पता नहीं चलता है तो एक्टर जो ये फ्री टाइम होता है रात को अपने शूटिंग के बाद ये सब बहुत लुक ट्राई करते हैं जो पिक्चर करने नहीं वाले उसकी भी लुक ट्राई करते हैं लोग तो आलम जनरली कितना टाइम जाता है रिसर्च में जब आप कोई नई लुक दे रहे होते हैं किसी एक्टर को रिसर्च में टाइम जाता है मैं इनको अपनी जो मुझे पसंद है चीज़ें जो मुझे स्टाइल करना मैं इनको व्हाट्सएप करता हूँ ये लोग देखते हैं फिर लोग रिजेक्ट कर देते हैं फिर वापस भेजता हूँ फिर रिजेक्ट कर देते हैं फिर वापस भेजता हूँ फिर रिजेक्ट कर देते हैं तो रिजेक्ट करते 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 बाद में लोग हाँ बोल ही देते हैं नहीं एक छोटा सा इंसिडेंट अभी हाल ही में हुआ था आलिम भाई इज डन माय हेयर फॉर हाफ गर्लफ्रेंड आल्सो हाफ गर्लफ्रेंड के लिए पहले मोहित मैंने और आलिम भाई ने सोचा था कि बाल बढ़ाएंगे वी थॉट वील ट्राई लॉन्गर हेयर जैसे आलोक के है वैसे उससे थोड़े कम वी थॉट वील ट्राई लॉन्गर है पर धीरे धीरे जब हमने दो तीन बार एक्सपेरिमेंट किया टेस्ट किया वी ट्राइड टू सी हाउ इट लुक्स आफ्टर स्टाइलिंग कितना यंग लगता हूँ या कितना वो मेरे मच्योर लुक के लिए हेल्प करेगा सडनली मोहित ऑल्सो फेल्ट एंड आलिम भाई ऑल्सो अग्रीड इमीजिएटली सेइंग नहीं नहीं वी शुड कट द हेयर ऑफ बिकॉज द लॉन्ग हेयर इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर द होल फिल्म नाउ इट्स वेरी इजी फॉर हिम टू से नहीं यार वो लंबे बाल रखते हैं बिकॉज हमने इतनी मेहनत की उगाने में और टेस्ट करने में यू नो द स्टाइल इज वर्किंग फॉर अ पर्टिकुलर थॉट बट इफ इट नॉट वर्किंग फॉर अ डायरेक्टर ही इज ओपन इनफ टू से नो आई अग्री यू 100% राइट वील फिगर अ बेटर लुक एंड वील वर्क समथिंग एल्स आउट सो ही इज ओपन इनफ टू अंडरस्टैंडिंग व्हाट अ डायरेक्टर वांट्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनल लाइफ इज डिफरेंट making a film is very very different and a director is allowed to in that journey in that process discover what he likes the actor is allowed to have an opinion he never forces his opinion on us he gives us options and he's very open to it and that's I think the reason why he's so successful he's always open to suggestion and he's a team player that's very very important he's not thinking about mere picture ke liye mere baal correct lagne chahiye it's about right. film ke liye baal correct lagne chahiye ya look correct honi chahiye alam mai check baad mein de dunga वरुण मैंने आपके साथ एक पिक्चर में काम किया था आपने मेरा सीन डिलीट करा दिया ऐसा क्यों किया आपने वी एक्चुअली एक्टेड इन अ फिल्म आल्सो टुगेदर आलिम भाई एंड मी
मैंने नहीं डिलीट किया था सर, किसी और ने किया था। आप इनसिक्योर हो गए थे मेरी परफॉर्मेंस देख के। पराग इधर ही है। मेरी पराग तुम सीन्स डिलीट कराते हो यार, मैं तुमसे बच के रहूंगा।